हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ सी एन उपरमा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस। सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इक्वेशन का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके आईसीएआई के स्टडी मैट में जो एक्सरसाइज एफ दिया हुआ है उसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिक्स की सहायता से। तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में हमसे कहता है इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + 8x - m³ = 0 आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ m इज। ठीक है, एक बार मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा यहां पर लिख लेता हूं। हमें दिया हुआ है 2x² + 8x - m³ = 0। ये m क्यूब देखकर यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्यूबिक इक्वेशन है। नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं देखना होता है, जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट देखा जाता है। और वेरिएबल है यहां पर x और x का एक्सपोनेंट है यहां पर मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जल्दी से इसे हम कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 8 और c की वैल्यू आ रही है -m³। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि ये कांस्टेंट टर्म है। अब हमें कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, कहता है रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है, या ऐसा कहा जाए b² की वैल्यू 4ac के बराबर होती है। तो b की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8, यहां पर आएगा 8² ये तो 4 एज इट इज आएगा, a की जगह पर आएगा 2 और c की जगह पर आएगा -m³। चलिए जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कितना आने वाला है। यहां पर 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 को हम 4 × 2 = 8 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8, 64 डिवाइड बाय 8 होता है 8 और ये आ रहा है -m³। ये माइनस साइन यहां ले आते हैं तो ये आ जाएगा -8 = m³। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब किए जाने पर -8 आएगा? आई थिंक -2 का क्यूब किए जाने पर 8 आता है। अब यहां पर अगर आप कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं कि m की वैल्यू -2 है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए जल्दी से हम दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें कोई खास ट्रिक हम अप्लाई नहीं कर पाए हैं, इसको एक्चुअल तरीके से ही हमें सॉल्व करना था। हाँ, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हम जरूर ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या इक्वेशन हमें दिया हुआ है। 2x + 3 - 3² × (2x) और फिर हमें यहां पर दिया हुआ है +1 = 0 और नीचे हमें ऑप्शन में x की कुछ वैल्यूज दी गई हैं। हमें नहीं मालूम कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, और अगर पहला ऑप्शन सही है तो पहले ऑप्शन में जो वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज अगर इक्वेशन में पुट की जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो ऑप्शन हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। मान लेते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या दिया हुआ है पहला ऑप्शन? यहां पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बोलता है x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है। एक बार 0 पुट करके देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 ये हो गया 0, 0 + 3 हो गया 3, 2 क्यूब आता है 8, 2 क्यूब आ रहा है यहां पर 8। ठीक है,
यहां पर अगर हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो 2 to the power 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सिर्फ बाकी रहेगा 3 square. 3 square का मतलब है 9 और प्लस 1, 8 और 1 ऐड होकर हो गया 9, 9 माइनस 9 हो गया 0. चलिए 0 तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें 1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जल्दी से हम 1 पुट करके देखते हैं. अगर हम यहां 1 पुट करते हैं तो 2 into 1 हो गया 2 और 2 plus 3 हो गया 5 और 2 to the power 5 आपका आएगा 32 माइनस. हम यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 to the power 1 आएगा 2 और 3 का स्क्वायर है 9 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा 18 और प्लस 1. आई थिंक यहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं आ पा रहा है, दैट्स व्हाई ये x की वैल्यू 1 तो नहीं होगी. वापस से हम क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन में चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी में तो जीरो कहीं पर है नहीं. जीरो के लिए हम चेक कर चुके हैं कि उसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक आंसर तो हमारा जीरो होना ही है. सो ऑप्शन नंबर बी किसी भी हाल में करेक्ट नहीं हो सकता. हम ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, उसमें भी जीरो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम. ऑप्शन नंबर थ्री में सी में एक्स इक्वल 3 के लिए चेक कर लेते हैं. अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 into 2 6 और 6 plus 3 हो जाएगा 9. आइए जरा इसके लिए हम चेक करते हैं, 2 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं. टू इंटू इक्वल ये दो बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 512. यहां पर हम x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 2 क्यूब आएगा 8 और 8 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, तो ये आ रहा है 72 प्लस 1. यहां पर भी ये मुझे सेटिस्फाई होता हुआ नहीं दिख रहा है. हम डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वहां पर भी 0 दिया हुआ था और दूसरी वैल्यू जो दी गई है वो है -3. जल्दी से हम -3 पुट करते हैं. अगर हमने यहाँ पर -3 पुट किया तो ये आ जाएगा -6 और -6 plus 3 आ जाएगा -3 और 2 to the power -3 का मतलब है 1/8. हम अगर यहाँ पर पुट करते हैं -3 तो 2 to the power -3 का मतलब यहाँ भी हो जाएगा 1/8 और न्यूमरेटर में 3 square था, दैट्स वाई ये आएगा 9/8 और ये यहाँ पर लिखा हुआ है +1. एक बार जल्दी से हम एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ 1 बाकी रह गया है, यहाँ पर आएगा 9 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 8. आई थिंक 8 plus 1 9, 9 minus 9 0 और 0 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 ही आएगा. हमें यहाँ पर पूरे ऑप्शन नंबर डी तक जाकर चेक करना पड़ गया, तब जाकर हम सही ऑप्शन तक पहुंच पाए हैं. कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से क्रॉस चेक करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सिंपली कैलकुलेटर से भी अगर चेक करते हुए चलें तो हम एक्चुअल तरीका जो इसका सॉल्व करने का है उसके कंपैरिजन में तो जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें 4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 और इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक जा रहा है. इसे मैं एक्चुअल तरीके से सॉल्व करके आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पता लगाना होता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है. लेकिन अभी मैं यहां पर आपके साथ एक छोटा सा ट्रिक इसका डिस्कस कर रहा हूं. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है. मान लेते हैं 4 नहीं दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्योंकि मैं ये आपको जनरलाइज करवाना चाह रहा हूं कि 4 की जगह 6 दे दे या 8 दे दे या 5 दे दे तो भी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए. फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है बी प्लस 1/b प्लस 1/b और इस प्रकार से हमें वैल्यूज दी गई है इनफाइनाइट. तो ऐसे केस में जो आंसर आता है उसे आप कुछ इस प्रकार से फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर सकते हैं. आप ये फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए कि इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की जगह पर हम पुट कर देते हैं 4, यहां पर भी हम बी की जगह पुट कर देते हैं 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहां पर 4 दिया हुआ था, तो आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस रूट 20 डिवाइडेड बाई 2। मैं यहां बगल में सॉल्व कर देता हूं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 प्लस माइनस 20 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 5, 4 प्लस माइनस, ये 4 जब रूट से बाहर आएगा तो बाहर आके हो जाएगा 2, और अब हम क्या करते हैं 4 को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 रूट 5 को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, और 2 रूट 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहां पर रूट 5। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमें 2 प्लस माइनस रूट 5 दिया हुआ है। 2 प्लस माइनस रूट 5 हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है उस तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो शर्त यह है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्चुअल तरीके से आप सॉल्व करने जाएंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए एक्चुअल तरीका मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें दिया गया है, उसके रूट्स हमें अल्फा बीटा दिए हुए हैं और हमसे वैल्यू पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले तो वो इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, 2x² - 4x - 3 = 0। सबसे पहले इसे हम कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ। तो यहां से a की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू आ रही है -4 और c की वैल्यू आ रही है -3। सबसे पहले हम निकाल लेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है -b/a -of -4, b की वैल्यू -4 थी, डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 2। और एक बार हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a और c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 2। तो हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पर निकाल लिया है और अब हम आसानी से वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला ऐसे कैसे आएगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, एक बार आप ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्मूला इस तरीके से आता है। और अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 3 ये आ गया आपका 7। देखिए सर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में हमें 7 दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी चूंकि स्टडी मैट में दिया हुआ है एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि आखिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। देन चॉइस इज योर कि आप जो है उस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, अगर वैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c, और आगे हमको बोलता है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में हमें जानकारी दी गई है। बोलता है सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ये देखिए सर स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अल्फा का रेसिप्रोकल है 1/अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल है 1/बीटा। सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं सर
इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, फिर बोलता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इन दोनों का हमें सम लेना है। तो कुछ इस प्रकार का रिलेशनशिप है उसके रूट्स के बीच में, ये हमें क्वेश्चन में रिपोर्ट किया जा रहा है। और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, मैं यहां बगल में लिख देता हूं ताकि हमें ध्यान में रहे कि एग्जैक्टली हमें वैल्यू निकालनी किसकी है। हमसे पूछा जा रहा है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो अल्फा प्लस बीटा ही आएगा यहां पर। यहां पर अगर हम एलसीएम ले लें तो न्यूमरेटर में आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जरा इसको ठीक ठाक तरीके से लिख लेते हैं, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और नीचे इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब हम यहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस बी बाई ए। या एक काम करते हैं, पहले इसको भी यहां ले आते हैं ताकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए। चलिए सर, ये अल्फा बीटा स्क्वायर, इसको भी इधर ले आते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये लिखा हुआ था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आएगा हमारा माइनस बी बाई ए, ये आएगा सी बाई ए और उसका स्क्वायर, यहां पर आएगा माइनस बी बाई ए और उसका स्क्वायर, और ये आएगा आपका सी बाई ए। अब इसको एक बार जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सी स्क्वायर आएगा तो न्यूमरेटर में आ रहा है माइनस बी सी स्क्वायर, ये तो आएगा सर ए स्क्वायर और ए पहले से है तो ये आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ पर माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। अब यहां से आप अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको जहां तक पहुंचना है उसे पे फोकस करना पड़ेगा, या तो ये वाला टर्म निकाल लीजिए या तो ये वाला टर्म निकाल लीजिए। तो मुझे यहाँ पर बी स्क्वायर नजर आ रहा है, एक ही जगह पर बी स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन बी स्क्वायर के बाद मुझे डिनोमिनेटर में ए सी चाहिए और यहां पर दिया हुआ है ए स्क्वायर, तो सी मुझे चाहिए जो यहां पर है नहीं, और ए स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ए चाहिए। तो देखिए मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। ये जो बी स्क्वायर अपॉन ए है उसे हम बी स्क्वायर अपॉन ए सी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, न्यूमरेटर से हमें कोई तकलीफ नहीं है, डिनोमिनेटर में ए दो बार है, दो बार नहीं चाहिए हमको, सिर्फ एक बार चाहिए, तो एक बार हम कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये कैंसिल हो जाए, लेकिन सिर्फ राइट हैंड साइड में ऐसा नहीं कर सकते, अगर राइट हैंड साइड में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ए का जुगाड़ तो हो गया, यहां पर हमें सी चाहिए, सी चाहिए तो सी यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सी हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन सिर्फ ऐसा हम राइट हैंड साइड में नहीं कर सकते, हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। चलिए और अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, मैं यहां से सॉल्व करते हुए चलता हूं, ये ए और ये ए क्यूब कैंसिल होकर यहां पर टू बाकी रह जाएगा, ये सी और ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बाकी रह जाएगा माइनस बी सी, माइनस बी सी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और नीचे बाकी रह जाएगा ए स्क्वायर राइट हैंड साइड में। अगर हम ए यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज आएगा, ए स्क्वायर की जगह सिर्फ बाकी रह जाएगा ए, और ये सी यहां मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा सी माइनस, ये ए और ये ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये सी और ये सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस सिर्फ बाकी रह जाएगा टू। फिर यहां कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यहां पर क्या वैल्यू दी गई है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज आएगी, इसको यहां ट्रांसफर कर देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा पॉजिटिव प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई थी कि कितना आने वाला है, सो ये आने वाला है टू। क्या किसी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है,
कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? पहला ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ट्रिक है क्या? मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी ट्रिक अवेलेबल नहीं है। जो तरीका मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्चुअल तरीका है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप डिसाइड कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में समय नहीं देता। एग्जाम में हमें उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है जो आसानी से ट्रिक से बिना पेन पेपर के हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स? बोलता है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस फोर एक्स प्लस टू पी प्लस फाइव इक्वल जीरो हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस फोर एक्स और प्लस हमें दिया हुआ है टू पी प्लस फाइव। मैं इसे ब्रैकेट में रख रहा हूं और अब इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के साथ। तो ए की वैल्यू आ रही है वन, ए मींस मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर है यहां पर वन। बी की वैल्यू आ रही माइनस पी प्लस फोर और सी की वैल्यू आ रही है टू पी प्लस फाइव। और क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि रूट आर इक्वल, तो रूट आर इक्वल का कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। रूट इक्वल तभी होंगे जब बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर होगी। तो b की जगह पर आएगा माइनस पी प्लस फोर, माइनस पी प्लस फोर का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2p प्लस फाइव। अब ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, मैं इसको यहां पर एक्सपांड नहीं करना चाहता हूं, मैं सिंपली ऐसे ही लिखे रहने देना चाहता हूं। ये आ जाएगा 4 टाइम्स 2p प्लस फाइव। P की जो भी वैल्यू आने वाली है हम नीचे दिए गए ऑप्शन से वहां पर वेरीफाई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, पता नहीं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है लेकिन मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कि P की वैल्यू 1 आएगी और P की वैल्यू माइनस 1 आएगी। एक बार पुट करके देखें, एक बार 1 पुट करके देखते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं लिख देता हूं P की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25। सर लेफ्ट हैंड साइड आ गया 25। यहां पर अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 5 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 28। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं हम दूसरे ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। एक्चुअली दूसरे ऑप्शन के लिए नहीं, हमें तीसरे ऑप्शन के लिए चेक करना चाहिए क्योंकि तीसरे ऑप्शन में प्लस माइनस 2 दिया हुआ है और वैसे भी ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करने पर पी की दो वैल्यूज आनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हम ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमें पी की वैल्यू एक बार दिया हुआ है 2 और एक बार दिया है माइनस 2। हम एक बार 2 के लिए चेक करके देखते हैं। अगर पी की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 4 हो गया 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर 36 आ रहा है। राइट हैंड साइड में हम चेक करते हैं, अगर हम यहां 2 पुट करते हैं तो ये हो गया 4, 4 प्लस 5 हो गया 9 और 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 36। तो सर p की वैल्यू 2 तो है लेकिन क्या p की वैल्यू -2 भी आएगा? हम इसे भी चेक कर लेते हैं। अगर हम यहां -2 पुट करते हैं तो -2 प्लस 4 आएगा 2 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है 4। हम यहां पर अगर -2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -4, -4 प्लस 5 आएगा 1 और 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 4। तो p की वैल्यू 2 रखने पर भी वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। p की वैल्यू -2 पुट करने पर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और बोलता है कि रूट्स इसके रियल हैं, रूट्स इसके रियल हैं। तो पहले तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं आपके लिए यहां पर कि क्या दिया हुआ है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 2p-1 x प्लस p स्क्वायर
इक्वल जीरो। सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से कंपेयर कर लेंगे। ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है 2p-1 और सी की वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर। रूट्स रियल कब होते हैं? रूट्स रियल तब होते हैं जब उसकी वैल्यू या तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं कहता हूं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, इसे बेहतर तरीके से लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी या बराबर होनी चाहिए फोर ए सी से। और हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी की वैल्यू है 2p-1 इसका स्क्वायर, ये बड़ा या बराबर होना चाहिए 4 टाइम्स ए सी। हम यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो सबसे पहले आएगा a स्क्वायर मीन्स 4p² प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1² माइनस 2ab 2 इंटू 2p इंटू 1 2 इंटू 2p इंटू 1 मैं लिख देता हूँ एक बार 2 इंटू 2p पूरा ही लिख देता हूँ। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर फॉर्मूला लगाने में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर यहाँ पर 2p है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर आएगा माइनस 2ab। राइट हैंड साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, 4p² आएगा यहाँ पर, ये आएगा 4p², तो ये आ गया आपका 4p² प्लस 1 और ये माइनस 4p² कैंसल हो गया मींस यहां पर जीरो आ गया। 4p को हम वहां ट्रांसफर कर लेते हैं, 4p को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 1 शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 4p। इस बात का ख्याल रखना है कि इसको कभी भी चेंज नहीं करना है, उसे एज इट इज रखना है। 4p को वहां ट्रांसफर कर दिया, अब ये 4 आ जाएगा नीचे 1/4, तो p की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए 1/4 से। देखिए सर, p की वैल्यू ऐसा d ऑप्शन में दिया हुआ है, d ऑप्शन में दिया गया है कि p की वैल्यू 1/4 से छोटी है या 1/4 के बराबर है, सो d ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका आप ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 8 में आगे बढ़ जाता हूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, जल्दी से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है x की वैल्यू m इफ x इक्वल m इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हमें दो सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, एक सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है उसे अगर वापस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हम ये लॉजिक लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x² + 5x, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 2x² + 5x माइनस m इक्वल जीरो, और हमको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि x की वैल्यू m है, तो पुट कर देते हैं सर यहां पर, तो ये आएगा 2m² + 5m - m = 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा 5m - m आ जाएगा 4m = 0। अब जो भी चीजें कॉमन निकल सकती है, आप चाहो तो क्रॉस चेक करके भी बना सकते हो, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो एलिमिनेट हो चुका है, दैट्स व्हाई ज्यादा मुश्किल काम नहीं रह गया है, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअल तरीके से भी। तो हम जो चीजें कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे यहां से 2 कॉमन निकल सकता है और m कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल गया, m दो बार था, एक m कॉमन निकल गया तो बचा m, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 बाहर निकल गया तो बचा 2 और m तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर तभी आएगी, या तो 2m की वैल्यू 0 होगी या m प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी। तो 0/2 या तो m की वैल्यू 0 होनी चाहिए या m की वैल्यू होनी चाहिए -2। देखिए सर, कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें इस प्रकार से दिया हुआ है m की वैल्यू 0 और -2? आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो गया। 9th क्वेश्चन, जल्दी से हम 9th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि 9th क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं इनमें थोड़ा सा समय
हमें लगता ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो बी केयरफुल इस बात का चुनाव करने में कि उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है या नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग ही जाता है। जल्दी से हम देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया और उसके रूट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उससे। आइए जरा स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें इसको। हमें इसे कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से, तो एक्स की वैल्यू वन आ रही है, बी की वैल्यू टू आ रही है और सी की वैल्यू वन आ रही है। अगर पी और क्यू इसके रूट से हमसे पूछा जा रहा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, हम लगा सकते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आएगा पी प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3PQ P plus Q। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। लास्ट लेक्चर में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस किए थे। ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, और पूरी संभावना है कि इस तरह का कोई एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू की वैल्यू होती है, यहां पर निकाल लेते हैं सबसे पहले। पी प्लस क्यू का मतलब है यहां पर सम ऑफ रूट्स, दैट इज माइनस बी बाई ए माइनस टू बाई वन, दैट इज माइनस टू। और पी क्यू का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मींस सी बाई ए, और सी की वैल्यू है वन और ए की वैल्यू है वन। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस टू, यहां पर आएगा माइनस टू का क्यूब, ये आएगा थ्री टाइम्स, पी क्यू की वैल्यू आएगी वन और इसकी वैल्यू आएगी माइनस टू। माइनस टू का क्यूब होता है माइनस एट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थ्री इंटू टू होता है सिक्स, और फाइनली आंसर आने वाला है माइनस टू। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है माइनस टू। क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने से खतरनाक लग रहा है पर उतना खतरनाक है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों चेंज कर लेना चाहिए। हालांकि ऑप्शन यहां चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझिएगा जरा मैं बात आपको बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो समझना जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दिया गया है पहले मैं वो लिख देता हूं आपके लिए, एम प्लस एन, एम प्लस एन माइनस एन, और इसके साथ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। फिर हमें दिया हुआ है एन प्लस एल, एन प्लस एल माइनस एम, और यहां पर हमें एक्स दिया हुआ है, और अंत में हमें दिया हुआ है एल प्लस एम माइनस एन, और फिर जीरो दिया हुआ है। हमें L, M और N के बीच में भी एक रिलेशन वहां पर दिया हुआ है कि उन तीनों का सम हमेशा जीरो आता है। L प्लस M प्लस N इक्वल जीरो। तो हम एक काम करते हैं, हम L की वैल्यू ले लेते हैं वन, M की वैल्यू ले लेते हैं टू, और N की वैल्यू माइनस थ्री ले लेते हैं। ये वैल्यूज हमने कुछ इस तरह से ली हैं कि अल्टीमेटली उन तीनों का सम टोटल जीरो आना चाहिए। तो अगर मैं किसी एक को इसमें से वन ले लूं, किसी एक को अगर मैं यहां पर टू ले लूं, तो तीसरी वैल्यू ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस थ्री लेना पड़ेगा, तब वो जीरो हो जाएगा। अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को कंप्लीटली न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी वो एल्जेब्रिक टर्म्स में है, एल आ रहा है, एम आ रहा है, एन आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए अगर मैं एम की वैल्यू टू पुट कर दूं, लिखते जाते हैं, चलिए m की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, n की वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा माइनस थ्री, और l का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 1। यहां n की वैल्यू पुट करनी है माइनस थ्री, l की वैल्यू पुट करनी है 1, और m की वैल्यू पुट करनी है 2। यहां पर l की वैल्यू पुट करनी है 1, m की वैल्यू पुट करनी है 2, और n की वैल्यू पुट करनी है माइनस थ्री।
देखते हैं कि क्या होता है। ये आ जाएगा आपका माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, माइनस फोर प्लस टू आ जाएगा माइनस टू, ये आ रहा है माइनस टू एक्स स्क्वायर। यहां पर चेक करते हैं, माइनस थ्री माइनस टू हो गया माइनस फाइव, माइनस फाइव और प्लस वन हो गया माइनस फोर एक्स, और अंत में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा तीन और दो पांच और एक छह। एक काम करते हैं, सबको माइनस टू से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस टू यहां से चला जाएगा, यहां से माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से कैंसिल होकर ये टू बाकी रह जाएगा, और इसे अगर माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा थ्री। ये देखिए जो इक्वेशन देखने से बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था, एल एम एन के एल्जेब्रिक टर्म्स में हमें दिया गया था, उसी इक्वेशन को हमने एक छोटा सा ट्रिक लगाकर न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, और अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो हमसे पूछा गया है वो रूट्स के नेचर के बारे में पूछा गया है, और रूट्स का नेचर अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो आपको डेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर बी की वैल्यू है टू, टू स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है माइनस थ्री। देखते हैं कि कितना आने वाला है, ये माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन, और ये टू का स्क्वायर फोर, फोर पॉजिटिव है सेवन निगेटिव है, फाइनली ये आ रहा है माइनस थ्री। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस थ्री आ रही है, और जब इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होती है निगेटिव होती है तो जो रूट्स होते हैं वो होते हैं इमेजनरी, रूट्स जो होंगे वो इमेजनरी होंगे, और ऐसा हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसकी वैल्यू जीरो होती या जीरो से बड़ी होती मीन्स पॉजिटिव होती तो हम कहते हैं कि रूट्स रियल हैं, और जब कभी भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से छोटी होती है दैट इज नेगेटिव होती है तो जो उसके रूट्स हैं वो इमेजनरी होते हैं, ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व किया जाएगा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक इक्वेशन दिया गया है, पहले उस इक्वेशन को सही सलामत रूप में लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वन, इसे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो। अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से तो आपको पता चलेगा कि ए की वैल्यू वन आ रही है, बी की वैल्यू माइनस वन आ रही है और सी की वैल्यू भी माइनस वन आ रही है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स के बारे में हमें जानकारी दी गई है कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो हम एक काम करते हैं, एक बार निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो ये वन आएगा, और एक बार हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज सी अपॉन ए दैट इज माइनस वन अपॉन वन, तो ये माइनस वन आएगा। और अब हम जो हमें पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, बोलता है इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर अल्फा अगर यहां आके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अल्फा क्यूब, बीटा अगर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बीटा क्यूब, और नीचे आएगा अल्फा बीटा। इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला आएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब यहां पर एक और चैलेंज हमारे सामने आ गया है, इसकी वैल्यू तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू किसकी, अल्फा माइनस बीटा की। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, ये आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, वन, वन का स्क्वायर तो वन ही आएगा, माइनस फोर टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसकी वैल्यू आ रही है रूट फाइव। और अब हम इसमें पुट कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी रूट फाइव, तो एक बार हमको यहां पर लेना है रूट फाइव का क्यूब
प्लस थ्री टाइम्स अल्फा बीटा, प्लस थ्री टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस वन, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो अभी हमने निकाला हुआ है रूट फाइव है, डिवाइडेड बाय हमें अल्फा बीटा से डिवाइड करना था जिसकी वैल्यू माइनस वन है। रूट फाइव का क्यूब करेंगे मीन्स रूट फाइव को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो बार मल्टीप्लाई करने से फाइव आ जाएगा और तीसरा रूट फाइव एज इट इज बाकी रह जाएगा, तो ये आएगा फाइव रूट फाइव माइनस ये आ जाएगा थ्री रूट फाइव डिवाइडेड बाय माइनस वन, फाइव में से थ्री गया तो बचा टू रूट फाइव, और ये जो नीचे माइनस वन है उसके कारण से हम लिख सकते हैं माइनस टू रूट फाइव। देखिए कोई ऑप्शन दिया हुआ है माइनस टू रूट फाइव, यस हमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कोई ट्रिक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक्चुअल तरीके से अगर सॉल्व करने जाते हैं तो काफी समय लग जाता है। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है पी के टर्म्स में, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है क्यू के टर्म्स में, तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल तरीके से, और पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर पी बाय क्यू निकालना है, और एक बार क्यू बाय पी निकालना, और उसके बाद फिर उनका सम करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है। काफी लेंथी प्रोसीजर यहां पर हमें फॉलो करना पड़ता है, बीच में हमको रैशनलाइजेशन भी करना पड़ता है, तो इसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है, तो मैं ये क्वेश्चन यहां पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वैसे भी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वन रूट ऑफ 5x² प्लस 13x प्लस पी इक्वल 0 बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक रूट हम अल्फा लेकर चले तो दूसरा रूट हमें 1 बाय अल्फा लेना पड़ेगा, अल्फा बीटा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन दे दी गई है, बोलता है एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक अगर आंसर 2 आएगा तो दूसरा 1 बाय 2 आएगा, एक आंसर अगर 5 आएगा तो दूसरा आंसर 1 बाय 5 आएगा, ठीक है ये हमें दिया हुआ है। तो अगर हम निकालना चाहें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस हम अल्फा और 1 बाय अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको तो फॉर्मूला मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, तो यहां तो अल्फा और अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो आएगा 1, क्योंकि दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उनका प्रोडक्ट लिए जाने पर 1 आएगा। राइट हैंड साइड में हम c by a की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं, जो इक्वेशन हमें दिया गया है वो है 5x² प्लस 13x प्लस p इक्वल 0, तो c की वैल्यू है यहां पर p और a की वैल्यू है यहां पर 5, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आसानी से p की वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये 5 आने वाला है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर, b ऑप्शन इज करेक्ट। ये 13th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरह से वहां पर दोनों रूट्स के बीच में रिलेशन दिया गया है आप सम ऑफ रूट्स से बना पाएंगे या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, बोलता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा है, तो यहां पर उन दोनों का प्रोडक्ट लेने पर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनली उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। इस बात को यूज करके हमने ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया है, उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए और मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो बढ़ते रहो।